तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सेशन में जेके एसएसबी ड्राइवर एग्जाम 2023 का ये जो पार्ट दूसरा हम आपको करवाने जा रहे हैं, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। और आप सभी को पता होगा कि जो ये पेपर था 2023 का, इसमें टोटल 120 प्रश्न आए थे और इस 120 में से हमने शुरू के 40 प्रश्न पार्ट संख्या एक में हमने कर लिए हैं। और आज हम 41 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक 1 से 40 तक क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो फिर आप जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का जो ऑनलाइन कंटेंट आपको ड्राइवर एग्जाम से संबंधित आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, ऑनलाइन कोर्स है, पीडीएफ नोट्स है, पुरानी भर्तियों के पेपर है, वो सारा मैटर आपको स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, फ्री के कोर्स और लाइव और जो रिकॉर्डेड बैच हमारा, उसके लिए आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 41वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, व्हिच व्हीकल्स बॉडी इज फिक्स्ड टू द चेसिस विथ द हेल्प ऑफ आई और यू बोल्ट विथ रबर पैकिंग बिटवीन द चेसिस एंड बॉडी क्रॉस मेंबर्स। किस वाहन की बॉडी को चेसिस और बॉडी क्रॉस सदस्यों के बीच रबर पैकिंग के साथ आई या यू बोल्ट की मदद से चेसिस से जोड़ा जाता है? तो जैसे कार की है, बस की है, ट्रक की है, बाइक की है, तो इनमें से जो ट्रक की बॉडी होगी ना, तो इसमें क्या होगा कि आई बोल्ट या यू बोल्ट की मदद से यहाँ पर जो आपका चेसिस होगा, चेसिस जो होगा, चेसिस के साथ में यहाँ पर बॉडी को साथ में अटैच किया जाएगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ट्रक की बॉडी। प्रश्न संख्या 42 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस व्हीक्यूलर पॉल्यूशन, यानी कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किससे आपको बचना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांजिट, कारपुल और आइडलिंग, और अल्टरनेटिव फ्यूल यूज यानी वैकल्पिक ईंधन का उपयोग, यानी कि आप डीजल का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का कर रहे हैं, तो इनकी तुलना में आप अगर सीएनजी का करते हैं, आप अगर एलपीजी का उपयोग करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करते हैं, या जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक आजकल आती है, इनका उपयोग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको मतलब किस से बचना चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए, कौन सा काम आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सुस्ती, आइडलिंग, सुस्ती का मतलब है कि एकदम आराम से चलना जिससे कि माइलेज कम होता है और भी दिक्कतें यहाँ पर आती है। आइडलिंग का मतलब है सुस्ती और स्लो, एकदम बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से आप अगर कोई काम को कर रहे हैं, है ना, तो जो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर जो है फ्यूल का कंज्यूमशन भी है अतिरिक्त होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, यहाँ पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइन इज नॉट फाउंड ऑन नेशनल हाईवेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पाया जाता, प्लस का चिन्ह जो है प्राथमिक चिकित्सा का पाया जा सकता है, मुंबई ऐसा भी बड़ा चिन्ह होता है, चारपाई का भी हो सकता है, लेकिन ये जो पेडेस्ट्रियन का है ना, ये संकेत आपको नेशनल हाईवे पर नहीं मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, इन इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पर आवर इन किलोमीटर्स फॉर M1 कैटेगरी व्हीकल्स ऑन 4 लेन और मोर देन 4 लेन रोड्स विद डिवाइडर्स। भारत में डिवाइडर वाली 4 लेन या 4 लेन से अधिक सड़कों पर M1 श्रेणी के वाहनों के लिए किलोमीटर में अधिकतम गति प्रति घंटा क्या होनी चाहिए? आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट जो है, इसकी जो धारा 112 है गति सीमा के बारे में उल्लेख करती है, अगर उल्लंघन आप करते हैं तो धारा 183 लागू होती है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप 4 लेन अगर कोई सड़क है तो इसका मतलब है 4 लेन सड़क का मतलब है 2 तो जा रही है आगे, 2 आ रही है पीछे, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर 4 लेन सड़क पर आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक होती है कैटेगरी M, एक होती है यहाँ पे N, एक होती है L, L तो होती है 2 और 3 पहिया वाहन, M कैटेगरी होती है यात्री जिसपे सवारी बैठते हैं, और N कैटेगरी होती है जिसपे सामान आप ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है M1 कैटेगरी, मतलब कि यात्री गाड़ी है कहीं ना कहीं, अब कौन सी है वो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर पूछा है भारत में डिवाइडर वाली 4 लेन या
4 लेन से अधिक सड़कों पर M1 श्रेणी के वाहनों के लिए किलोमीटर में अधिकतम गति प्रति घंटा क्या हो सकती है। तो नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45, व्हिच लाइन इज पेंटेड बिफोर ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले कौन सी रेखा खींची जाती है। तो जेब्रा जो लाइन होती है आप सभी को पता होगा किस टाइप से होती है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, इस टाइप से होती है सड़क के बीचों बीच में इस प्रकार के जो है बने होते हैं, तो ये जेब्रा लाइन होती है और ठीक इससे पहले स्टॉप संकेत होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, स्टॉप लाइन, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले कोई रेखा से रेखा खींची गई है तो वो कौन सी रेखा हो सकती है, वहाँ पर स्टॉप लाइन हो सकती है जेब्रा जो लाइन है वहाँ से। जेब्रा जो लाइन होती है मैं आपको बताना चाहूँगा, जेब्रा लाइन से पैदल यात्री सड़क को पार करते हैं। प्रश्न संख्या 46, Which of the following is allowed for an applicant of a learner's license who is under the age of 18 years? 18 वर्ष से कम आयु के लर्नर लाइसेंस के आवेदक के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी, परिवहन वाहन, गियर वाली मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, क्योंकि वो 18 से कम है, तो यहाँ पर एक लीगली हम बात करते हैं तो जो है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को 16+ और 18 से कम जो वाले जो यात्री होते हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं और करते हैं, ज़्यादा वाले तो कर सकते हैं, कम वाले नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि भी अगर बिना की बात आ जाए, बिना गियर बात आ जाए तो यहाँ पर आपको हम 16 साल की उम्र में लाइसेंस बनाकर दे देंगे, ये मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, ठीक है, बिना गियर की बात है। और 50 cc से कम की बात आ जाए, कम तो भी यहाँ पे 16 साल जो होती है वो एज। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में अगर कोई आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और यहाँ पर अगर आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं भाई, माता या पिता के, क्योंकि आपका जो बेटा है वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है और कोई कांड हो गया जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, What is the form to apply for registering a motor vehicle? मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का फॉर्म, सभी को पता है RC के लिए जो फॉर्म संख्या 20 होता है, ठीक है, 33 नंबर जो फॉर्म है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें कि 33 नंबर फॉर्म किसके लिए बना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, Which in the chapter of the Central Motor Vehicle Rule 1989 is the insurance of motor vehicles against थर्ड पार्टी रिस्क इंक्लूडेड, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस अध्याय में तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध मोटर वाहनों का जो बीमा है वो शामिल है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा बात हो रही है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR 1989 में ये लागू हुए थे, और दोस्तों यहाँ पर इसमें जो इंश्योरेंस से संबंधित तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध, ठीक है, केंद्रीय मोटर वाहन की, ठीक है, और इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस के जो है जो वर्ण के बारे में बताया गया है कि भी उसमें क्या लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, चैप्टर जो है 7th, चैप्टर 7th में इंश्योरेंस के बारे में लिखा गया है कि इंश्योरेंस के क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, और कब इसे रिन्यू करवाया जा सकता है, कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ये सारी चीजें जो है जो चैप्टर 7 है CMVR का, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, तो इसमें वो दी गई है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, With respect to applying for a driving license, Form 6A stands for which one of the following categories? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के संबंध में फॉर्म 6A निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाता है? नोट, बोर्ड आंसर मेडिकल सर्टिफिकेट। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के संबंध में फॉर्म 6A निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाता है, आपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो 6A फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो फॉर्म संख्या 6A जो होता है वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ पे नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6A जो होता है ना, 6A फॉर्म आपको बताना चाहूंगा, 4A में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और 6A में इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर रिन्यूअल ऑफ RC, डुप्लीकेट RC एंड ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। RC के नवीनीकरण, डुप्लीकेट RC और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है। तो यहाँ पर आपको देखो डुप्लीकेट आरसी बनवानी है या गाड़ी की आरसी बनवानी है ना, तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं इनके लिए आप यहाँ पर अपने कौन कौन से दस्तावेज है वो दे सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर बीमा प्रमाण पत्र, कर निकासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है गाड़ी की, जब आप जो है ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी को बेच देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अनिवार्य रूप से कुछ दस्तावेज दिखाने होते हैं, जो कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है। और इंश्योरेंस के बारे में आपको जो पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 146 में इसका उल्लेख किया गया है, और उल्लंघन करने पर धारा 196 यहां पर आपके ऊपर लगाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन सच एज गैसोलीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो गैसोलीन जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से वो बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। आप सभी को पता होगा गैसोलीन इंजन की बात आई है तो यहां पर जो सबसे जहरीली जो गैस होती है, जो रंगहीन और गंधहीन होती है, वो होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे जहरीली गैस होती है भाई, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ए रिपोजिटरी ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड के भंडार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इनका जो रिकॉर्ड रखने का जो काम होता है ना, वो राष्ट्रीय रजिस्टर करता है, नेशनल रजिस्टर। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है। द क्रेकर ब्लिस्टर ऑन द बटरेस ऑफ ए टायर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टायर डिफेक्ट्स। टायर के बटन पर क्रेकर ब्लिस्टर को किस प्रकार के टायर दोष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो टायर के बटन पर, कहां पर, टायर के बटन पर क्रेकर ब्लिस्टर को किस प्रकार के टायर दोष के अंतर्गत। तो चलने में दोष, मन का दोष, ठीक है, साइड वोल दोष और सौ दोष। तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि अगर भी टायर के बटन पर क्रेकर ब्लिस्टर को किस प्रकार के दोष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो जो आपका टायर होता है, टायर की साइड की जो दीवार होती है, वहां से अगर कहीं पर अगर गाड़ी के टायर में क्रेक लगा है, तो यहां पर उस क्रेकर ब्लिस्टर को यहां पर साइड वोल दोष के अंतर्गत माना जाता है। टायर का अगर साइड में कहीं कट लग जाता है तो उसे साइड वोल डिफेक्ट यानी कि साइड वोल दोष के रूप में उसको पहचाना जाता है। What should be done to reduce the glare from oncoming vehicles and while driving at night? रात में गाड़ी चलाते समय सामने से आने वाले वाहन की चमक कम करने के लिए क्या करना चाहिए? Use high beam, यहां पर पहले मैं use high beam lights to काउंट्रैक्ट द ग्लेयर, चक्काचौंध से बचने के लिए हाई बीम रोशनी का प्रयोग करें। लेट समवन एल्स ड्राइव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए किसी दूसरे को गाड़ी चलाने को दें। और टॉक टू द पैसेंजर, यात्रियों से बात करें। और कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेफ्ट साइड मार्किंग ऑन द रोड, सड़क पर बाईं ओर के निशान पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि जब आप रात में गाड़ी चलाते समय सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है और उसने अगर हाई बीम पर अपनी लाइट को कर रखा है और आपको अगर दिखाई नहीं देता है, तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? माना कि ये सड़क है और ये बीच वाली सड़क है, तो यहां पर आप चल रहे हैं, तो आपको ध्यान इस लेफ्ट वाली लेन पे देना है, न कि यहां पर जो व्हीकल आ रहा है उधर, है ना। तो व्हीकल जो आपके सामने से आ रहा है वो सामने से राइट से गुजर जाएगा, आपको लेफ्ट में पूरा सटाके गाड़ी को रखना है, साथ ही यहां पर अपने आप का ध्यान वो रखना है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑफ द लेफ्ट साइड मार्किंग ऑन द रोड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है। व्हाट डज दिस ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल इंडिकेट, यह ट्रैफिक पुलिस का हैंड सिग्नल क्या दर्शाता है? आप सभी को पता होगा कि जो ये संकेत है, आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हथेली हाथ है ये पीछे से आ रहे व्हीकल को रोक रहा है। क्या कर रहा है? पीछे से आने वाले व्हीकल को रोक रहा है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर एक पढ़ते हैं। टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द फ्रंट और बिहाइंड सिमुलेटनियसली, ठीक है, ताकि आगे और पीछे से एक साथ आ रहे वाहनों को रोका जा सके।
टू बेकन व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेटिंग टू टर्न राइट, वार्निंग सिग्नल क्लोजिंग ऑल व्हीकल्स। तो यहां पर जो है कौन सा प्रश्न सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेटिंग टू टर्न राइट। और जो मतलब कि जो लेफ्ट से आने वाले वो जो मतलब कि वाहन जो कि राइट में मुड़ना चाहते हैं, मतलब दाई ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करने वाले वाहनों को रोकने के लिए, बाई ओर से तो आ रहे, लेफ्ट से तो आ रहे हैं और राइट में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, तो उन व्हीकल के लिए संकेत होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट व्हिच कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू देयर रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। उस भाग का क्या नाम है जो पिस्टन की प्रत्यावर्ती गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी गति में परिवर्तित करता है। तो जैसे सिलेंडर है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन पिन है, वाल्व का स्प्रिंग जो है, तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि एक होता है पिस्टन, ये माना कि पिस्टन है, यहां पर आई होल होता है, इससे एक कनेक्टिंग रोड जुड़ी रहती है, और ये दोनों जो ये है जो पिस्टन पिन या गजन पिन के नाम से जो एक पिन होती है उसके माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन केवल ऊपर नीचे की गति करता है, मतलब कि एक प्रकार की रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसकी होती है। तो इसको अब यहां पर क्रैंकशाफ्ट की जो गोल गति है इसमें किसने कन्वर्ट किया, तो इस कनेक्टिंग रोड ने यानी कि कनेक्टिंग छड़ ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डस द एम्बर लाइट इंडिकेट, एम्बर प्रकाश का क्या अर्थ होता है, रुकना, सतर्क रहो और जाना, गति कम करना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एम्बर लाइट या येलो लाइट जो होती है हमेशा सावधान होने के लिए होती है, बी अलर्ट, सतर्क रहो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इंस्पेक्शन ऑफ द व्हीकल्स स्ट्रक्चर, वाहन की संरचना के निरीक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, जो आपकी संरचना में यानी कि यहां पर किसका इंस्पेक्शन करेंगे, स्ट्रक्चर का, तो स्टीयरिंग सिस्टम, चालन प्रणाली, चेसिस फ्रेम की स्थिति, टूटती प्रणाली, ब्रेकिंग सिस्टम, तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो वाहन की संरचना की निरीक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा, चेसिस फ्रेम की स्थिति, ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चेसिस फ्रेम तो ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, चेसिस यानी कि जिस जो लोहे के एंगल से बनती है और फ्रेम इसी का नाम होता है, इसी को ही फ्रेम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, व्हिच लाइन इंडिकेट्स दैट पार्किंग इज नॉट अलाउड ऑन द रोड साइड, यानी कि कौन सी रेखा दर्शाती है कि सड़क के किनारे पार्किंग की अनुमति नहीं है। तो जो पार्किंग की अनुमति नहीं है ये सा संकेत जो होता है वो एक तो गोल आकृति में इस प्रकार का संकेत होता है और यहां पर ये ब्लू में होता है पूरा पूरा, एक तो वो होता है, एक होता है नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, वो भी इसमें एक पूरा क्रॉस बना होता है ब्लू सर्कल में। तो यहां पर इस प्रश्न में पूछा है कि भाई कौन सी रेखा दर्शाती है कि सड़क के किनारे पार्किंग, सड़क के किनारे आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, तो येलो लाइट जहां होगी वहां पर आपको गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, येलो लाइन पीली रेखा इसका जवाब हो जाएगा। इन द डायरेक्शन द व्हीकल इज अलाउड टू टर्न एट द रेड सिग्नल बाय डिफॉल्ट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो वाहन को डिफॉल्ट रूप से लाल सिग्नल पर किस दिशा में मुड़ने की अनुमति होती है। यहां पर यह किया गया है कि जब तक अन्यथा कोई विशेष नियम यहां पर अन्यथा करके न बनाया हो, वाहन को डिफॉल्ट रूप से लाल सिग्नल पर किस दिशा में मुड़ने की अनुमति होती है, माने आप किसी चौराहे पर जा रहे हैं और वहां पर रेड सिग्नल है, तो क्या रेड सिग्नल होने के बाद में आप कहीं ना कहीं गुजर सकते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो यहां पर इस पर्सन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, यानी कि जब आप अपने वाहन को जो है चला रहे हैं और किसी चौराहे पर पहुंच रहे हैं जहां पर लाल सिग्नल आ गया है और आपको लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट में जगह है तो आप मुड़ सकते हैं, वहां पर आपको गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी मोड़ की अनुमति नहीं है, बायां मोड़, दायां मोड़, यू टर्न, तो यहां पर डिफॉल्ट रूप से आप जो है लेफ्ट टर्न ले सकते हैं अगर चौराहे पर आपको रोका भी गया हो तो। तो यहां पर इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जो मौजूदा पुलिसकर्मी होगा उसकी गाइडलाइन को भी आपको फॉलो करना होता है और जो डायरेक्शंस वहां पे बोर्ड के ऊपर दर्शाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कोई काम करना होता है। अगर लेफ्ट टर्न वहां पे परमिसेबल है तो आप लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां पर प्रसन्न सिंह 61,
तो प्रश्न निश्चित है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लीड्स टू पोल्यूशन ड्यू टू मोटर व्हीकल्स। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मोटर वाहनों के कारण प्रदूषण का कारण बनती है? तो यहां पर यूज ऑफ मल्टीटोन्ड एंड एयर हॉर्न इन व्हीकल, वाहन में मल्टीटोन्ड एयर हॉर्न का प्रयोग करना, बिल्कुल ये कथन सही है। मल्टीटोन्ड हॉर्न का प्रयोग आप व्हीकल में नहीं कर सकते, न ही सायरन का प्रयोग कर सकते हैं, न ही प्रेशर हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ हॉर्न इन इमरजेंसीज, आपातकालीन स्थिति में हॉर्न का प्रयोग करना। मेंटेनेंस ऑफ एग्जॉस्ट साइलेंसर, एग्जॉस्ट साइलेंसर का रख रखाव करना। रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड बैटरी विथ ए न्यू बैटरी व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सारे कथन सही हैं, आप ये काम सारे के सारे कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में हॉर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप पहला काम नहीं कर सकते जो कि प्रदूषण का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 62 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स टू राइट ए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ए स्पेस और ए हाइफन। स्पेस और हाइफन का मतलब है चाहे वो एक डेस आए चाहे कोई स्पेस आए, दोनों को काउंट करके भी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं यहाँ पे लाइसेंस में, यहाँ पे स्पेस और हाइफन के साथ में, तो यहाँ पर 16 नंबर होते हैं, जिसकी शुरुआत आरजे से होती है। आरजे स्टेट को बिलोंग करता है और यहाँ पर दूसरे जो आगे के नंबर होते हैं वो आरटीओ कार्यालय के कोड होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर होते हैं, टोटल जो नंबर होते हैं वो 16 डिजिट के होते हैं। आप सभी को विदित होगा कि मोटर वाहन अधिनियम का जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पर, इसमें जो धारा 8 है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को जारी, सॉरी धारा 9 के में जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसको जारी करने को लेकर उल्लेख किया गया है। 8 में लर्निंग लाइसेंस के बारे में उल्लेख है। प्रश्न संख्या 63 है। विच टाइप ऑफ क्लच सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ ओवर हीटिंग रिस्क एंड हाई इनिशियल कॉस्ट। किस प्रकार का क्लच अत्यधिक गर्म होने के जोखिम और उच्च प्रारंभिक लागत की कमियों से ग्रस्त है? यानी ऐसी कौन सी क्लच है जिसको आप जब अत्यधिक गर्म होगी एक तो उसका डर रहेगा और एक उच्च प्रारंभिक लागत जब लगाएंगे तब भारी कॉस्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसमें एक तो आपके सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है, कोण क्लच है, मल्टीप्लेट क्लच है, और मल्टीप्लेट क्लच आप सभी को पता है मोटरसाइकिल में काम में ली जाती है। यहां पर जो है ऐसी कौन सी क्लच है जिसको जब लगाएंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे और गर्म होने का चांसेस रहेगा। तो गर्म जो सबसे ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से, विद्युत सप्लाई से यहां पर क्या होती है, चुंबक बनती है, जिसके कारण ये गर्म ज्यादा होती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन भी होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के कारण और भी ज्यादा गर्म होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64। Which of the following contains correct information about the DigiLocker or M Parivahan platform? निम्नलिखित में से किसमें DigiLocker या M Parivahan platform के बारे में सही जानकारी है? The documents available in these apps are valid. बिल्कुल ये कथन एक तो सही है। The documents available in these apps are not valid. गलत हो जाएगा। Fine is एप्लीकेबल फॉर ए पर्सन नोट प्रोड्यूसिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है, यह भी गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, देज आर नोट वेरीफाइड ऑथेंटिकेटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडर एप्लीकेशन, ये सत्यापित प्रमाणी अधिकृत डिजिटल दस्तावेज प्रदाता अनुप्रयोग नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये क्या है, सत्यापित और प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज आपको प्रयोग करने के लिए देते हैं जो कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या आरटीओ अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वैलिड माने जाते हैं, क्योंकि ये DigiLocker उन्होंने ही बनवाया है, ठीक है ना। तो यहां पर DigiLocker और एम परिवहन दोनों के बारे में आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 65 है। Which of the following is advisable for a driver during foggy conditions? कोहरे की स्थिति के दौरान ड्राइवर के लिए निम्नलिखित में से क्या सलाह दी जाती है? टर्न ऑन ओनली द फॉग लाइट्स, केवल फॉग लाइट जलाएं। गो नियर द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल, अपने वाहन के सामने वाले वाहन के पास जाएं, ये भी गलत है। मेंटेन ए कंस्टेंट स्पीड, निरंतर गति बनाए रखें। यूज इमरजेंसी ब्लिंकिंग लाइट्स, यानी कि आपातकालीन ब्लिंकिंग लाइट का आप प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो यहां पर तो इसमें जिस हिसाब से लिखा गया है कि भी आप फोग केवल और केवल फोग लाइट जला सकते हैं या ब्लिंकिंग लाइट भी जला सकते हैं,
तो यहां पर यानी कि आप जब कोहरे में गाड़ी चलाते हैं, फोगी कंडीशंस में अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक हम इसलिए राइट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओनली शब्द आ गया है कि भी आप केवल फोग लाइट। और ऑप्शन नंबर डी देखो इसमें आप साथ में, अब यानी ये है तो ये तो हो ही गया। यूज इमरजेंसी ब्लिंकिंग लाइट, आपातकालीन ब्लिंकिंग लाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आगे पीछे के व्हीकल को यहां पर आपकी गाड़ी नजर आ जाए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूज इमरजेंसी ब्लिंकिंग लाइट। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने है। विच सेक्शन ऑफ चैप्टर 8 डील्स विद द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन अलाउिंग अनऑथोराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल्स। मोटर व्हीकल एक्ट आपको पता है, इसकी जो सेक्शन 3 है वो नीड के बारे में कहती है कि आपके पास में डीएल होना चाहिए, और सेक्शन 4 कहती है कि आपकी एज भी पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर 3 और 4 जो सेक्शन है इनको पूरा नहीं करने वाला व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है तो वो एक मालिक की जिम्मेदारी होगी, ये बात सेक्शन 5 में लिखी गई है। उस सेक्शन 5 का उल्लंघन करना सेक्शन 80 का जो है उल्लंघन होता है, और इसके तहत 5,000 रुपए की पेनल्टी और 3 मंथ जो है इंप्रिजनमेंट यानी कि कैद भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 215 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 215 में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की गई है। तो यहां पर साथियों आपको बता देना चाहता हूं, धारा 215 जो है सड़क सुरक्षा परिषदें और यहां पर समितियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। आप सभी को विदित होगा कि मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988, इसमें टोटल 217 धाराएं हैं और 14 इसमें अध्याय हैं। 2 इसमें अनुसूचियां थी, 2 में से 1 को हटा दिया गया है, अब केवल 1 अनुसूची बची है। प्रश्न संख्या 68। व्हाट इज वन ऑफ द मेथड टू क्लियर द एयरवे ऑफ एन एक्सीडेंट विक्टिम। किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के वायु मार्ग को साफ करने के तरीकों में से एक क्या है। टिल्ट द हेड बैक एंड पॉइंट द फेस स्लाइटली डाउन, सिर को पीछे झुकाएं और चेहरे को थोड़ा नीचे की ओर रखें। मुंह से मुंह सील यानी कि बंद कर दें मुंह से मुंह मिलाकर। अनकवर द ब्लीडिंग वाउंड, बहते हुए घाव को उजागर करें। इलिवेट ब्लीडिंग लिम्स, रक्तस्राव वाले अंगों को ऊपर उठाएं। तो यहां पर आपको पूछा है वायु मार्ग के बारे में, तो वायु मार्ग आपको सही करना है। तो यहां पर अगर कोई भी अगर विक्टिम है उसको अगर भाई श्वसन क्रिया में दिक्कत आ रही है तो आप उसका सिर को पीछे झुकाकर और चेहरे को थोड़ा नीचे की ओर करके आप बिल्कुल यहां पर जो है उसको श्वास लेने में मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following road sign indicates the driver to drive in the left lane? यानी इनमें से कौन सा ऐसा संकेत है जो ये संकेत करता है कि आपको लेफ्ट लेन में ड्राइव करनी है, है ना। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह चालक को बाई लेन में गाड़ी चलाने का संकेत देता है। तो यहां पर देखो ये टर्न का है, ये भी टर्न का है, ये भी टर्न का है, ये कीप लेफ्ट का है, और इसी के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्राइवर गेट डिस्ट्रक्टेड वाइल ड्राइविंग ऑन रोड। सड़क पर गाड़ी चलाते समय चालक का ध्यान निम्नलिखित में से किस से भटकता है। एडजस्टिंग मिरर वाइल ड्राइविंग, वाहन चलाते समय शीशों को समायोजित करना। एनिमल्स ऑन रोड, सड़क पर जानवर। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय खाना और पीना। और ऑल ऑफ देख यानी ये सभी। तो बिल्कुल यहां पर जब गाड़ी चलाता है कोई ड्राइवर और चलाते समय अगर गाड़ी ड्राइव करते समय शीशे सेट करेगा, ड्राइव करते समय खाएगा पिएगा, ड्राइव करते समय अचानक अगर कोई जानवर आ जाता है तो वहां पर वो हक्का बक्का रह जाता है और वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टेड हो जाता है। तो यहां पर वो मतलब कि एक प्रकार से अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करूं। तो ऐसी स्थितियां इन सभी कारणों से आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिशेरियन फॉर डिस्क्वालिफाइंग द ग्रांट ऑफ ए कंडक्टर्स लाइसेंस। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कंडक्टर लाइसेंस के अनुदान को अयोग्य ठहराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। यानी कि कंडक्टर लाइसेंस के आवेदन को आप किस रीजन से रिजेक्ट नहीं कर सकते।
आयु के संबंध में कर सकते हैं अगर कम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी कर सकते हैं, फिजिकली फिट नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये महिला है या पुरुष है ना। तो मेन वुमेन को लेके आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका उल्लेख चैप्टर 2 में किया गया है, कंडक्टर जो लाइसेंस होता है उसका उल्लेख चैप्टर 3 में किया गया है, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन संख्या हमारे सामने यहां पे 72, व्हिच चैप्टर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद द ग्रांट ऑफ ए लर्नर लाइसेंस। मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा अध्याय शिक्षार्थी लाइसेंस देने से संबंधित है? मैंने बताया पहले में परिभाषाएं और उसका परिचय है, इंट्रोडक्शन है, दूसरे में डीएल बताया गया है, और तीसरे में यहां पर क्या है, तीसरे में कंडक्टर लाइसेंस के बारे में। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, इसी के साथ में लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है, शिक्षार्थी लाइसेंस। तो चैप्टर 2 हो जाएगा, सेक्शन पूछे तो सेक्शन 8 हो जाएगी, ठीक है, सेक्शन तो 8 हो जाएगी और चैप्टर पूछे तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, Which of the following road marks indicate lane separations? इनमें से लेन को सेपरेट करने वाली जो है वो रेखाएं कौन सी है? आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये देखो एक इधर जा रहा है, यहां पर इस दूसरी लाइन में देख रहा हूं मैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब ये लेन सेपरेशन नहीं है, ये रोड सेपरेशन की है। ऑप्शन नंबर बी में रोड को सेपरेट कर रही है, और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये भी रोड को सेपरेट कर रही है, और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, किनारे पर येलो है, बीच में जो ठोस है, ये भी लेन नहीं रोड को सेपरेट कर रही है। रोड को सेपरेट करना और लेन को सेपरेट करना अलग है। लेन को सेपरेट करना मतलब है कोई रोड है, इसमें दो गाड़ियां बराबर एक ही दिशा में जा सके, वो होती है लेन सेपरेशन, यानी लेन विभाजक, और ये काम हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं, है ना। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा हिंदी मीडियम है, हम इंग्लिश में थोड़ा सा कम समझाते हैं और हमें इंग्लिश थोड़ी सी कमी आती है, तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे। तो मैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक है ना। पर्सन संख्या 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स हैज द एडवांटेज ऑफ गिविंग पैसेज टू इमरजेंसी व्हीकल। आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने में निम्नलिखित में से किस नियम का लाभ है? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट, बोर्ड आंसर टायर टार्मक रूल, बोर्ड ने इस टायर टार्मक रूल को माना है। कहां पर? आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने में निम्नलिखित में से किस नियम का लाभ है? टायर टार्मक का। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहां पर जो है रास्ता देने पर जो है कौन सा नियम काम का है, एमएसएम रूल यहां पे काम आ सकता है, है ना। तो यानी कि मिरर चेक करें, सिग्नल दें और फिर मैन्यूवर। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि टायर टार्मक तो नियम कहता है कि एक गाड़ी आगे है एक पीछे है, तो इन दोनों के बीच में 4 से 5 फीट का रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहां पर इमरजेंसी व्हीकल होगा तो 4-5 फीट के रास्ते से मेरे हिसाब से कोई भी काम का यहां पर मेथड नहीं होगा। यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2 सेकंड रूल है, ये दो वाहनों के बीच में कम से कम आप लॉन्ग डिस्टेंस कितनी रखोगे। ये टायर टार्मक तो एक प्रकार का पार्किंग नियम है, यानी पार्किंग का नियम है, ठीक है। और ये जो 2 सेकंड का रूल है ना, ये जैसे कि रोड पे रनिंग कर रही गाड़ियां हैं, उन दो गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में आगे चल रहे वाहन के रुकने पर एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए होता है। लेकिन यहां पर पूछा है आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने में किस नियम का लाभ है। तो यहां पर लाभ ये होता है, जब मेरे हिसाब से तो ये होगा, जैसे ही आपको यहां पर मतलब कि किसी इमरजेंसी व्हीकल का सायरन सुनाई देगा, तुरंत आप यहां पर मिरर चेक करेंगे, मिरर में देखेंगे कि अभी हाँ बिल्कुल गाड़ी आ रही है, मिरर देखा, फिर आप सिग्नल लेफ्ट साइड का सिग्नल भी दे सकते हैं और आपको गाड़ी को साइड में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से टायर टार्मक नियम भी नहीं बैठ रहा, 2 सेकंड भी नहीं बैठ रहा, कोनों को काटने का नियम ये भी नहीं बैठ रहा, फिर बैठेगा कौन सा, तो सी बैठ सकता है। तो यहां पर इस हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए मैं इस प्रश्न का जो जवाब होगा मैं थोड़ा सा यहां पर होल्ड रखना चाहूंगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो जवाब है थोड़ा सा मैं होल्ड रखना चाहूंगा, क्योंकि टायर टार्मक नियम मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब नहीं होना चाहिए, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। ये प्रश्न आप होल्ड कर दें, आपके पास अगर इसका ऑथेंटिकेट कोई जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सन सिंगर 75, व्हाई दिस हैंड सिग्नल इज यूज्ड व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय इस हाथ के सिग्नल का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका जब अपने हाथ को आप एक बार ऊपर करते हैं एक बार नीचे करते हैं, हथेली नीचे की ओर होती है, तो यह होता है आप सभी को पता होगा गाड़ी को स्लो करने का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज द सिग्नल फॉर
बेकनिंग व्हीकल्स फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि वाहनों को सामने से इशारा करने का संकेत क्या है, है ना। तो सामने से आ रहे वाहनों को पीछे भेजने का संकेत आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्नल फॉर बेकनिंग व्हीकल फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आने वाले वाहनों को पीछे भेजना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, इन विच ऑटोमेटिव व्हीकल इज देयर ए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR फ्लूइड इंडिकेटर इन प्लेस, यानी कि किस ऑटोमेटिव वाहन में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन फ्लूइड इंडिकेटर का इंडिकेटर है वो लगाया जाता है, मतलब कौन से व्हीकल में यहाँ पे जो SCR का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। कृषि ट्रैक्टर है, बस है, कार है, इलेक्ट्रिक कार है, तो यहां पर जो SCR है ना, सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर, तो सॉरी कैटालिटिक रिडक्शन, तो इसका इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर होते हैं इनमें किया जाता है, ठीक है ना। एक तो सामान्यतः यहां पर जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, एक ये है SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, तो यहां पर इसका जो प्रयोग है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हिच रोड मार्क इन्फॉर्म्स ए ड्राइवर दैट ओवरटेकिंग इज नॉट परमिटेड, कौन सा सड़क चिन्ह ड्राइवर को सूचित करता है कि ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। टूटी हुई रेखा ठोस रेखा में बदल जाती है, एक टूटी हुई सफेद रेखा, कुछ टूटी हुई सफेद रेखाएं, समानांतर दो सतत सफेद रेखाएं होगी। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि आप कौन सी जो सड़क चिन्ह है ड्राइवर को यह कहेगा कि आपको ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो जो डबल यहां पे मैं बात करता हूं, या तो येलो जो लाइन आ जाए, या तो येलो लाइन आ जाएगी, या ठोस व्हाइट लाइन भी आ जाती है, अगर ठोस दो व्हाइट लाइन भी आ जाएगी बीच में रोड पर, तो भी आपको उनको पार करके ओवरटेक नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। टू कंटिन्यूस व्हाइट लाइंस इन पैरेलल, दो समानांतर लगातार अगर डबल रेखाएं सड़क के मध्य में आ जाएगी तो आप इन रेखाओं को पार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल क्यूज ऑफ ए डिफेक्टिव बेड इन ए टायर, यानी कि डिफेक्टिव बीड है भी ये, डिफेक्टिव बीड, बीड जो होता है टायर का अंदर का जो भाग जो रिम से सटा रहता है जिसमें तार होते हैं, डैमेज्ड क्यूरिंग रिंग यानी क्षतिग्रस्त इलाज की अंगूठी, लूज टर्न अप्स यानी कि ढीला मोड, FM इन ट्रेड एंड्स ट्रेड में FM समाप्त होना, और चीफर सेट लाओ चफर सेट कम होना, यानी ये टायर के चार कमियां हैं और इनमें से आपको बताना है। डिफेक्टिव बीड होगी तो क्या दिक्कत होगी, तो आपको पता है डिफेक्टिव बीड का मतलब है खराब बीड, खराब बीड का मतलब है अंदर का जो घेरा है वो खराब हो चुका है, मतलब डैमेज्ड क्यूरिंग रिंग, क्षतिग्रस्त इलाज की अंगूठी, यानी कि जो अंदर की जो अंगूठी होती है रिंग होती है टायर की वो खराब हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा कंफ्यूजन वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, किस प्रकार के विद्युत वाहन में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहां पे पूछा गया है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी वो जो फ्यूल होता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा होता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी वाहन तो कौन सा होगा इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन उसमें सेल या जो बैटरी इस्तेमाल होगी वो फ्यूल सेल वाली काम में होगी, यानी कि उसमें जो लिक्विड के रूप में है वो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस प्रकार ऑप्शन का जो प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों यहां पर आज हमने जो 41 से 80 तक जो प्रश्न किए हैं काफी अच्छे प्रश्न थे, काफी मशक्कत यहां पे हमें करनी पड़ रही है क्योंकि काफी गजब के प्रश्न है और प्रश्नों को समझना और समझाना काफी थोड़ा सा यहां पे जो है मुसीबत भरा हो रहा है। फिर भी अगर आपने समझा है और आपको कुछ समझ में आया तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में ड्राइवर एग्जाम को देखा जाए तो ये जो JKSSB का पेपर है ये सबसे मुश्किल पेपरों की श्रेणी में मैं मानता हूं, क्योंकि
आज तक जितने भी पेपर पढ़े हैं उनमें सबसे हार्ड लेवल का जो पेपर है वो एसएससी ने लिया था, उसके बाद जेके एसएसबी ने यहाँ पे लिया है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है और टोटल इसमें 120 प्रश्न थे, इनमें से 1 से 40 हमने पहले सेशन में लिए, 41 से लेकर 80 तक हमने इस सेशन में ले लिए हैं और अब 81 से 120 तक जो सेशन है वो हम अगले सेशन में ले लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और थोड़ी सी मुसीबतें आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी वाले सेशन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश हमें हमारा मीडियम नहीं है, हम इंग्लिश को केवल यहाँ पर घसीट रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, केवल घसीट रहे हैं। आप अपनी स्तर पर आपको देखो जो ट्रांसलेशन के लिए हमने दे रखा है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी हम जो है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, तो हम हिंदी ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा समझाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप सर्विस नंबर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए ड्राइवर एग्जाम के लिए, तो आप हमारा स्टडी एट होम ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन ई बुक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बेस्ट कॉन्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर टॉप जो MCQs है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।